हेलो बिजी माई लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, जैक क्लास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, वैसे तो मैं कभी स्टार्टिंग में आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती, बट आप लोगों ने देखा होगा तो 100 के सब्सक्राइबर होने में अब बस थोड़े से ही सब्सक्राइबर कम है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ गाइज, 100 के जल्दी से कंप्लीट करवा दो। और यहाँ पे जो हमारे टेस्ट गेमिंग है आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे, वो बहुत टाइम से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पहले से उनका सपोर्ट रहा है। तो आप लोग एक बार उनके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना चेकआउट करके। और बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे कि मैं भी वीडियो में आना चाहता हूँ, तो फिर आज मैंने उनको वीडियो में ले लिया। गाइज आप सब जानते हो कि BGMI के अंदर इवेंट के अंदर आज हम लोगों को एक वैलेंटाइंस डे करके इवेंट देखने को मिली है। तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोगों को यहाँ पे RP पॉइंट रिडीम करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे हम लोगों को 10 से 50 RP पॉइंट और टोटल हम लोग यहाँ पे 5 बार RP पॉइंट रिडीम कर सकते हैं, मतलब यहाँ से 250 RP पॉइंट आप लोगों को मिल जाएंगे। अब बहुत से बंदों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि जो 250 RP पॉइंट यहाँ से मिल रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सीज़न में यूज़ कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी लास्ट सीज़न है तो बहुत से बंदों की 50 RP कंप्लीट हो चुकी है, तो वो लोग एक्स्ट्रा RP पॉइंट यूज़ करना नहीं चाहते। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा यही है कि आप लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोगों की M8 की रॉयल पास आएगी उसके अंदर RP पॉइंट यूज़ कर सकोगे कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये वाली इवेंट जो है वो यहाँ पे 23 तारीख तक चलने वाली है, ठीक है। ये वाली इवेंट यहाँ पे 23 तारीख तक चलेगी, बट मैं आप लोगों को रॉयल पास के अंदर ले चलूँ तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो M7 की जो रॉयल पास अभी चल रही है उसकी लास्ट डेट यहाँ पे 17 है, ठीक है। लास्ट 17 तारीख तक ये रॉयल पास रहेगी, फिर 18 तारीख को आप लोगों को M8 रॉयल पास देखने को मिल जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट रॉयल पास आएगी वो तो 18 तारीख तक आ जाएगी, बट इवेंट यहाँ पे 23 तारीख तक है। तो अगर आप लोग अभी के लिए RP पॉइंट रिडीम करना नहीं चाहते तो मत करना, क्योंकि गाइज नेक्स्ट सीजन में भी आप लोग इस RP पॉइंट को रिडीम कर सकते हो। बट आप लोगों को बात का ध्यान ये रखना है कि जो रिडीम वाला ऑप्शन है उसके ऊपर गलती से भी क्लिक मत कर देना। रिडीम आपको कब करना है? जब आप लोगों की नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो तब तक आप लोग क्या करना कि यहाँ पे आप लोगों को जो चॉकलेट मिलती है जिससे हम लोग रिडीम करना चाहते हैं तो उस चॉकलेट को आप लोग संभाल के रखना। फिर जैसे ही M8 की रॉयल पास आ जाएगी तब आप लोग यहाँ पे रिडीम करोगे, तब जाके आप लोगों के जो RP पॉइंट होगे 250 RP पॉइंट वो आप लोगों के नेक्स्ट सीजन में ऐड होगे, ठीक है। अब बहुत से बंदे मुझे ये भी कमेंट करके पूछते हैं कि अभी रिडीम कर लेंगे और नेक्स्ट सीजन में यूज़ करेंगे तो गाइज ऐसा यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे रॉयल पास के जो RP पॉइंट है उसको डायरेक्टली रिडीम करते हो ना तो वो आप लोगों की इन्वेंट्री में नहीं आएंगे, वो जो RP पॉइंट रहेगी वो डायरेक्ट आप लोगों की रॉयल पास में जुड़ जाएंगे। तो अभी के लिए जो आपकी 50 RP मैक्स है उसके अंदर जुड़ जाएगी अगर आप लोग अभी से रिडीम कर लेते हो तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को ये जो RP पॉइंट है उसको अभी रिडीम नहीं करना, आप लोग अभी सिर्फ चॉकलेट को संभाल के रखो। और जो नेक्स्ट हम लोगों की M8 की रॉयल पास 18 तारीख को आएगी उसके बाद 18 के बाद ही आप लोग यहाँ पे RP पॉइंट को रिडीम करना, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप लोग अभी RP पॉइंट लेना चाहते हो तो अभी रिडीम कर लो, और अगर आप लोग नेक्स्ट सीजन के लिए RP पॉइंट लेना चाहते हो तो 18 तारीख के बाद आप लोग यहाँ पे रिडीम करना, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। गाइज वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और गाइज वापस बता रही हूँ 100 के सब्सक्राइबर होने में थोड़े से ही कम है, तो चैनल पे नए हो तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा के 100 के जल्दी से कंप्लीट करवा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय।